अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल देसी हेल्थ वीडियोस में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की हमारी जो वीडियो है वो केरे के लिए है। ऐसे तमाम तर ख्वातीनों मर्द हजरात जिनको केरा बहुत अरसे से है, केरे का बहुत इलाज करवाया है लेकिन केरा ख़त्म नहीं होता, ठीक है, केरे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो आपको एक आज गज़ाई नुस्खा बताऊँगा जो केरे को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। अगर 40 दिन आप इस नुस्खे को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह आपका केरा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इस नुस्खे को हर खासों आम छोटी और बड़ी उम्र का मर्द और औरत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका किसी भी किस्म का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल बेज़र्र नुस्खा है। ये एक गिज़ाई नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, इसको इस्तेमाल करके आप केरे से हमेशा के लिए जान छुड़वा सकते हैं। नुस्खा क्या है अज्जा नोट फरमा लें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही खड़े बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस आपको मिल सके। आपने रोज़ाना की बुनियाद पर लेने हैं मगज़े बादाम, देसी लेने हैं आपने देसी मगज़े बादाम 13 अदद, मगज़े पिस्ता आपको चाहिए होगा 13 अदद, ठीक है, और हरीर स्याह आपको चाहिए 3 अदद। आपने करना यह है कि इन तीनों चीज़ों को रोज़ाना की बुनियाद पर अलहदा अलहदा पानी में भिगो के रख देना है। रोज़ाना सुबह उठ के निहार मुँह आपने पहले मगज़े बादाम छील लेने हैं और उनको कुंडी डंडे में या दोरी डंडे में डाल के इसको घोट लेना है। जब ये अच्छी तरह से घोट लें फिर आप इसमें पिस्ता शामिल करके इसको घोटें। उसके बाद फिर जब ये दोनों चीज़ें घुट जाएं फिर इसमें हरीर स्याह शामिल करके इसको घोट लें और जब ये पेस्ट सा बन जाएगा इसमें थोड़ी सी चीनी मिला लें, ठीक है, और इसको खा जाएँ। निहार मुँह आपने ये खाना है। 40 दिन अगर आप इसको इसी तरह से बना के इस्तेमाल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह केरा मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाएगा, दोबारा कभी नहीं होगा। केरे के लिए बहुत ही मुजर्रब बहुत ही आला नुस्खा है, इस नुस्खे को बनाएं इस्तेमाल करें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ऐसी मजीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।